हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन और आप देख रहे हैं द बिहार एक्सप्लोरर। तो मैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं इस बार और बुरी न्यूज़ भी। तो आपको बता दूं कि पूरा मुजफ्फरपुर चाह रहा था कि मुजफ्फरपुर में जो है एक बड़ा एयरपोर्ट बने, तो इसे बहुत समय से जो है इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन फाइनली जो है गवर्नमेंट को ध्यान पड़ा कि ये एक बड़ा शहर है और इसमें एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं कि सिर्फ 6 से 7 दिन बाद जो है सर्वे शुरू होने वाला है। हर एक न्यूज़ में ये खबर चल रहा है, हर तरफ ये न्यूज़ फैला हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसके लिए जो है 475 एकड़ टोटली ज़मीन चाहिए और इसके लिए जो है सर्वे शुरू होने वाला है। लेकिन क्या ये एयरपोर्ट बन पाएगा या नहीं, इसमें बहुत ही ज़्यादा डाउट है। और अब तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया हुआ है। जो लोग चाहते थे कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बने, वही मुजफ्फरपुर के लोग जो है इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं कि मुजफ्फरपुर में ये एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पता ही में ये एयरपोर्ट जो है नहीं बनना चाहिए, यानी ज़मीन अधिग्रहण नहीं करने देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये मैं खुद एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप ये वीडियो देख के खुद समझ जाओगे। तो मिलते हैं इस वीडियो क्लिप के आगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, आओ बचाओ अभियान, जिंदाबाद। घर को टूटने नहीं देंगे, अपने घर को टूटने नहीं देंगे, आओ बचाओ अभियान, जिंदाबाद मांग है। जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जो हो रहा है, या तो जितना में है उतना ही में बना है, जितना खाली है, जितना गरीब का घर है, सबसे ज़्यादा गरीब का ही घर जा रहा है। सरकार तो अमीर बुलडोजर चलाएगा नहीं, जहाँ देख लिया जहाँ गरीब का ज़्यादा संख्या उसे बुलडोजर चलाने के प्रयास में, इसीलिए वो धरना पे। वहाँ पर कितना घर होगा? लगभग 800 घर जा रहा है, 6 पंचायत का घर जा रहा है, 100 पंचायत सब 800 से लगभग 800-900 घर पड़ेगा। इसी कारण नहीं धरना, मांग है कि जितना में ज़मीन है एयरपोर्ट का पहले से उतना बनाइए, नहीं तो खाली में बनाइए, घर को नहीं तोड़िए। कहीं हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के लिए हम लोग पेपर के माध्यम से जाने हैं कि वहाँ से वहाँ पर 478 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण होना है। अभी वर्तमान में 110 एकड़ ज़मीन उसके पास पताही हवाई अड्डा के पास है और यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर पताही हवाई अड्डा है जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस से 6 से 7 किलोमीटर है। और आप समझ सकते हैं कि इतना नज़दीक होने के बाद लगभग जो है सो 1000 घर उस पर अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा है और ग्रामवासी घर टूटने से सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आज जिलाधिकारी के पास इस विषय पर धरना है और कई लोग चाह रहे थे, कल कई लोग कहे कि आत्महत्या करेंगे, लेकिन सामूहिक आत्महत्या करने का बात कह रहे थे। हम सभी लोगों को समझाए हैं कि पहले उनको सूचना दे दिया जाए और अपने बात को रखिए, अगर नहीं होता है तो आप स्वतंत्र हैं, जो करना है आप कर सकते हैं। तो हम इनके 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 माध्यम से, ग्रामवासियों के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ध्यान आकर्षित करने के लिए आए हैं। लगभग 1000 घर है और 5 से 6 गाँव प्रभावित हो रहा है, घनी बस्ती। सरकारी कॉलेज हॉस्पिटल है, पंचायत भवन है, अभी नया बन रहा है करोड़ों करोड़ के लागत से, मंदिर है, तालाब है, सारा चीज़ें, घनी बस्ती है पूरा। उसके बाद भी तोड़ने की बात हो रही है और पूरे ग्रामवासी आप दिखा सकते हैं। पताही हवाई अड्डा के बात हम बोल रहे हैं, पताही हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के सब कहे कि से हाँ घर बसाना चाहिए। हम लोग तो जब हम कस लोग गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे बोलिए। अब उसको दूसरे से यहाँ जो घर है जहाँ खाली है तहाँ बनाइए, ताकि हम लोग घर नहीं तोड़ेंगे। ये ले जाए हम रोड पर धरना देंगे, अब यहाँ से डीएम साहब सुनेंगे तो हम जाके रोड पर धरना देंगे। तो आपने सुना, मुजफ्फरपुर के लोग ही कैसे मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि जो है बहुत समय से ये मांग चलती आ रही है मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की। लोग कहते आ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। पहले से जो है पताही एयरपोर्ट के पास ज़मीन है, अब उसी के आसपास ही जो है कोशिश किया जा रहा है कि ज़मीन का अधिग्रहण हो, तो सरकार को ऐसे जो है कम पैसे पड़ेंगे। तो इसके लिए जो है सरकार एक सेकंड के लिए तैयार भी हो सकता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में अगर नई जगह की बात की जाए तो सरकार को जो है नई जगह लेने के बाद उस ज़मीन को उतना ऊंचा करना, तो
तो ये फिर से जो है ठंडे बस्ते में जाने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एयरपोर्ट फिर से एयरपोर्ट का काम, अगर ऐसा ही हुआ, अगर सरकार इनकी मांग पे अगर रह गई, हालांकि ये सही बात नहीं है, किसी का घर जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सरकार को जो है इसके बदले इन लोगों को दूसरे घर जगह पे जो है घर आवंटन करा देना चाहिए, और जो है ये पता ही एयरपोर्ट इसी जगह पे जो है एक्सटेंड होना चाहिए। ये मेरी सोच है, अगर आपका कोई और विचार है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा देख के। आप सभी को पता होगा कि सिर्फ एयरपोर्ट से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, कार्गो का जो है बहुत बड़ा खेल होता है वो एयरपोर्ट्स आने से। बिजनेस लाइन में बहुत से फ़ायदे होते हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं एयरपोर्ट आने से। बहुत से नॉर्मल लोग जो हैं, जैसे अपने मुजफ्फरपुर की लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो वो लोग सोचते हैं कि एयरपोर्ट आने से क्या ही हो जाएगा, हम तो चढ़ नहीं पाएंगे एयरपोर्ट से। वो ये नहीं समझ पाते कि उस एयरपोर्ट से उनको भी फ़ायदा होना है, अगर शहर को फ़ायदा होगा तो उनको भी फ़ायदा होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे अलग से पूरा टाइम देना होगा। बट मेन मुद्दा ये है कि मुजफ्फरपुर के लिए एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अब जो है ये देखने वाली बात होगी कि अगर गवर्नमेंट इनकी बात मानती है तो इसका क्या पहल निकलेगा, क्या उपचार हो सकता है इसका। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये एयरपोर्ट छोड़ दिया जाता है तो दूसरे किसी जगह पे जो है एयरपोर्ट बनेगा मुजफ्फरपुर में। हालांकि मैंने जैसा बोला कि ये प्लान जो है एयरपोर्ट का ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और इन फ्यूचर केस जो है और घना बस्ती होते जाएगा, और इसका जो है कोई उपाय नहीं निकल पाएगा। तो देखते हैं सर्वे में क्या निकलता है, क्या इसका उपचार होता है, देखते हैं, सब कुछ पता चलेगा। मैं सारा रिपोर्ट आप सभी को देते रहूँगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।